जिला मथक भूजमां छेल्ला चार दिवसथी महत्तम पारो 41 डिग्रीथी वधु रहता शहरीजनों काळजाळ गरमीनो सामनो करी रह्या छे। गुरुवारे पारो 41.2 डिग्री थवानी साथे कच्छनुं पाटनगर वधु एकवार राज्यभरमां सौथी गरम मथक बन्युं हतुं। बीजी बाजु गांधीधाम नलिया कंडलामां तापमान घटता गरमीमां राहत रही हती। हवामान विभाग द्वारा आगामी बे दिवसनी वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जे अनुसार आगामी 48 कलाक माटे जेने मोटा भागना जिल्लाओमां सामान्यथी हळवा वरसादनी शक्यताओ छे। आगामी 3 दिवस दरमियान महत्तम तापमान पण फॉलिंग टेन्डन्सीमां रहेता दिवस दरमियान गरमीनो ओछो अहेसास थाय तेवी शक्यताओ छे, परंतु आगामी सप्ताहथी महत्तम तापमाननो पारो 2-4 डिग्री वधे तेवी शक्यता छे, त्यारे गुजरातवासीओने फरी एकवार गरमीनो मार सहन करवो पड़शे। भूजमां अधिकतम उष्ण तापमान सामान्य करता 2.5 डिग्री वधु रहेवानी साथे सवारथी गरमी जोर पकड़ती जणाई हती। बपोरे पारो 40 डिग्रीथी ऊपर पहोंचता लोकोए काम विना घरनी बहार निकळवानुं टाळ्युं हतुं। जो के सूर्यास्त थता ज गरमीमां राहत वर्ताई हती। भूजमां हवामान विभाग द्वारा आगामी समयमां गरमी यथावत रहेशे तेवुं जणाववामां आव्युं हतुं। अभी धूप क्या ह्यूमिडिटी अभी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो अभी जैसे 1-2 दिन अभी ऐसे ही रहेगा आपका 41-40 के आसपास टेम्परेचर। उसके बाद आगे अगले 3-4 दिनों में फिर थोड़ा सा मतलब टेंडेंसी नॉर्मली एनएलसी अभी हल्की फुल्की बढ़ सकता है फिर अगले नेक्स्ट वीक में। बाकी 1-2 दिन अभी आपका यही रहेगा 40-41 और ह्यूमिडिटी रहेगी। और अगले 3-4 में थोड़ा बहुत कहीं कहीं हल्की सी क्लाउडिंग और हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है अभी। तो बाकी इसके बात करें तो अनकम्फर्टेबल इससे रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है मैक्सिमम, तो उतना मतलब आपका क्लाउडिंग रहेगी और धूप इतना तेज़ नहीं है मतलब, लेकिन आपका थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज़ होगी उसमें। बाकी विंड की बात करें तो आपकी वही अपना मतलब 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रहेगी, तो उतना कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नॉर्मली क्या है कि अभी जैसे आपका धूप है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा लें, डिहाइड्रेशन ना होने दें और थोड़ा सा अवॉइड करें पीक आवर्स में बाहर निकलने के लिए, तो वो रखेंगे तो उतना ज़्यादा बाकी चेंजेस नहीं है मतलब। इतना में नहीं है कि मेनली है कि थोड़ा सा डिहाइड्रेट रखें अपने आप को।